पापड़ले मेरी डार्लिंग तू झूठी मैं मक्का। फाइनली रणबीर कपूर के फैंस का इंतजार हुआ खत्म। श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की अगली फिल्म से धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म के टाइटल का अनाउंसमेंट आखिरकार हो गया है। मेकर्स ने फिल्म के टाइटल के साथ ही टीजर भी रिलीज किया है। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की इस फिल्म का नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म के जरिए रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर पहली बार बड़े पर्दे पर रोमांस करते हुए नजर आएंगे। लव रंजन द्वारा निर्देशित इस फिल्म के टीजर में रणबीर और श्रद्धा के बीच मजेदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रणबीर कपूर और श्रद्धा यूं तो रोमांस कर रहे हैं, लेकिन दोनों के आंखों में कुछ और ही राज छुपा है। तू झूठी में मक्कार के टाइटल को देखकर लग रहा है कि ये फिल्म काफी मजेदार होने वाली है। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म के टाइटल के अनाउंसमेंट के साथ ही तू झूठी में मक्कार की रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। लव रंजन द्वारा निर्देशित यह फिल्म अगले साल होली यानी कि 8 मार्च को रिलीज होने वाली है। बता दें कि लव रंजन काफी सफल डायरेक्टर माने जाते हैं। उन्होंने बॉलीवुड को प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी जैसी कई सारी रोम कॉम फिल्में बना चुके हैं। यहाँ तक कि अजय देवगन की आखिरी रोम कॉम ब्लॉकबस्टर फिल्म दे दे प्यार दे को भी लव रंजन ने ही डायरेक्ट किया था। ऐसे में दर्शकों को उम्मीद है कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की यह फिल्म भी कॉमेडी से भरपूर होगी और ये फिल्म भी उनकी प्रीवियस फिल्म की तरह धमाल मचा पाएगी। बात करें हम रणबीर कपूर की तो रणबीर कपूर आखिरी बार ब्रह्मास्त्र फिल्म में नजर आए थे और ये फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट नजर आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र फिल्म बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। वही एक्टर श्रद्धा कपूर आखिरी बार हमें बागी 3 में नजर आई थी। इसके बाद श्रद्धा कपूर की अब तक कोई फिल्म नहीं आई। हालांकि बॉलीवुड में जितने भी बड़े एक्टर है या फिर एक्ट्रेसेस है उन सब की फिल्में आ चुकी है, लेकिन श्रद्धा कपूर की कोविड में या फिर कोविड के बाद कोई भी फिल्म नहीं आई। हाँ, वो जरूर है कि हाल ही में रिलीज हुई वरुण धवन की भेड़िया फिल्म में श्रद्धा कपूर का एक कैमियो रखा गया था जो कि एक आइटम सॉन्ग में था, लेकिन भेड़िया फिल्म में भी श्रद्धा कपूर का कुछ खास रोल नहीं था। पर अब जल्द ही बड़े पर्दे पर रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर वापसी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा फिल्म का टाइटल और टीजर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।